Brustro. Astrola, vistrola, brustrola. Ostra, bustro, istro. Hello, namaste, welcome, wala marhaba, assalamu alaikum. This is Mohammed Rehman. Welcome to my YouTube channel. MSK. होगी तैयार आज के दिन कि हम लोग सच में स्केलेटन बन जाए। बस हो गई, कैब आ रही है ना यार, तुम लोग नीचे जाओ। आज है दशहरा तो सभी को हैप्पी दशहरा, बोल दो हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा पीपल, हैप्पी दशहरा एमएसकेएंस। मैंने एक चीज हमेशा से नोटिस की है, तो जैसे गणपति विसर्जन हो या दुर्गा माँ का विसर्जन हो, विसर्जन के वक्त मैंने नोटिस किया कि बारिश होती है और आज बारिश हो रही है। टाइम हो गया भाई, 2000 करोड़ साल हो गए। 2000 years later. 3000 करोड़ साल. 1 eternity later. Eventually. जैसे हम निकलने की कोशिश की, बारिश और ज्यादा तेज हो गई है। आजा आजा, मैं हूँ प्यार तेरा। चलो फिर सीढ़ियों से चलते हैं, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, उतरनी पड़ती है, थोड़ा झूमना पड़ता है, थोड़ा गाना पड़ता है। हमारी कैब ऑलरेडी आ चुकी थी, बट दरवाजा बंद रखा था हमारे कैब वाले भैया ने, क्योंकि हमारी जो मूछें थी वो डाकू वाली थी। बट कस्टमर भगवान होता है, इसीलिए उन्होंने इस डाकू को एक्सेप्ट कर लिया और दरवाजा खोल दिया। बारिश की वजह से बाहर कुछ दिख नहीं रहा था और सामने गणपति बप्पा मुझे देख रहे थे और मैं उन्हें देख रहा था। फिर उनसे नजरें हटाकर मैंने बाहर बारिश की बूंदों को देखा, फिर मैंने उन्हें देखा, फिर उन्होंने मुझे देखा, फिर मैंने बारिश की बूंदों को देखा, और ये देखा देखी सिलसिला चलता गया। यहाँ पर मैं अपने मन में जोरों से सोच रहा था कि अगर यहाँ पर कोई बाइकर्स बाइक चलाता है तो ये ट्राम की पटरी पे बाइकर्स गिर भी तो सकता है। और मेरे मन की आवाज इतनी तेज थी कि हमारे ड्राइवर साहब ने सुन ली और उन्होंने बोला कि बहुत गिरते हैं, बाइकर्स थोड़ा संभाल के चलाइएगा ऐसे रोड पे। जाते जाते हमें एक काफी इंटरेस्टिंग पंडाल दिखा जो वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ था, तो वो पंडाल देखने हम चले गए। पंडाल के अंदर चंद्रयान का विक्रम लैंडर भी देखा। बहुत ही क्रिएटिव तरीके से दुर्गा की मूर्ति बनाई गई थी जो मैं बहुत ध्यान से देख रहा था, और उसी टाइम मैंने देखा कि मेरे पैर कोई पड़ रहा था। मुझे लगा पूनम क्या करने लग गई, अरे नीचे देखा तो ये तो प्यार से डॉगी। भैया मेरे पैर नहीं छूने। दादा ये कुमार तेल जाम मूर्ति बनती आगे। All right, ladies and gentlemen, boys and girls, अभी हम आए हैं हैरी पुत्तर के एरिया में। What? मतलब हैरी पॉटर। What are you talking about, man? जैसे हमारे यहाँ पर कुमारवाड़ा, वैसे यहाँ पर कुमार तुली है जहाँ पर मूर्तियाँ बनती हैं। तो हमने कल बहुत सारे पंडाल देखे, तो आज हम मूर्ति कैसे बनती है वो देखेंगे। ये जो लिखा है समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रहा था, बट उसके बाजू में शायद कुमार तुली लिखा हुआ था, थोड़ा हिंदी से सिमिलर लग रहा था। बट एरो तो इस तरफ जा रहा था, वो भी इधर ही पहुँचाएगा। इधर ही हाँ। मेरी टीचर की तरह ऐसे घूम के मारे। हमारी एक मराठी टीचर है जो उनका मानने का सिर्फ ऐसे होता, क्या पता अभी व्लॉग देख रहे हैं। व्लॉग देख रहे होंगे तो ये शायद बंगाली में बिस्लेरी लिखा हुआ है। मेरे को नहीं लगता बिस्लेरी लिखा है वो। ब्रुस्त्रो। स्ट्रो ब्रुस्त्रो। अस्ट्रोला विस्ट्रोला ब्रुस्त्रोला। स्ट्रो। वस्त्र ब्रुस्त्रो इस्त्रो। वस्त्र वस्त्र। वस्त्र। वस्त्र ब्रुस्त्रो। तेरा 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 तेरा। अभी हम आ चुके हैं कुमार तुली की गली में, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि अपनी कला से एक मिट्टी को कैसे आकार देके रूप दिया जाता है। तो अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और काफ़ी देख के अच्छा लग रहा है कि मतलब यार यहाँ पूरी गली में, मतलब आप देखोगे यहाँ से हमने एंटर किया और ये ऐसे और आगे तक है पूरा एरिया है। हम सिर्फ एक ही गली में घुसे हैं, बट एक गली में भी हमने इतना कुछ देख लिया है। ये देखना भी ज़रूरी है कि नहीं, बारिश भी हो रही है यार।
यहाँ पर जो लोग काम करते हैं ये इनका खानदानी कारोबार है, मतलब बाप का, दादा का, भाई का, बाप का, दादा का, भाई का, सबका यही बिजनेस है। ये ट्रेडिशन सदियों से चलता आ रहा है। यहाँ पर मूर्ति बनाने के लिए हुगली रिवर की मिट्टी यूज की जाती है। ये रिवर को प्यार से गंगा या कटी गंगा भी कहते हैं। यहाँ की मिट्टी को बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ पे मूर्तियाँ सिर्फ फेस्टिवल के लिए बनाई नहीं जाती बल्कि ये एक्सपोर्ट भी होती है इंडिया के बाहर। हमारे मुंबई में एक जगह है धाराई में, कुमारवाड़ा, सिमिलर वैसे ही है। वहाँ पर भी आप चले जाओ, आपको क्ले से, मिट्टी से घड़े बनते हुए, मिट्टी से दिया बनते हुए, मिट्टी से मूर्ति बनते हुए सब दिखेगा। वैसे ही यहाँ पर भी है। ये चाय दी है? कौन सी चाहिए? तो आपके पास लाल चाय है क्या? है, पिएगा? तीन दे दो। तीन लाल चाय। स्वैग में पिएंगे लाल चाय। ब्रुस्तोरो ब्रुस्त्रो ब्रुस्त्रो पिचा। तू मतले तू रिजवान पता है ना? जल गया। आज से चुस्की कैंसिल, नो चुस्की फॉर एवर। तेरी भी जुबान जलती है? मेरी भी जुबान गंदी हो गई है। जहाँ पर भी हम जा रहे हैं, जिनके भी छोटे छोटे शॉप होते हैं उनके पास जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हम यहाँ शूट कर सकते, हम यहाँ शूट कर सकते कि नहीं। कोई कहता है कि बाहर से करो, कोई कहता है कि नहीं कर सकते। तो मतलब परमिशन लेने के बाद भी कोई अप्रूवल देता है, कोई अप्रूवल नहीं देता है। तो यहाँ पर आके पहले तो पूछ लो, क्योंकि गुस्सा आ जाएगा तो वही मूर्ति फेंक के मार देंगे, पता नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ पर सभी आके शूट करते हैं तो फिर क्या है ना, एक टाइम बाद लोग इरिटेट हो जाते हैं। तो इसीलिए पहले पूछ लेना और प्यार से बात कर लेना वो इंपॉर्टेंट है। किसी किसी को तो पैसे भी ऑफर कर रहे हैं कि पैसे ले लो थोड़ा सा शूट करने दो, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे। पहले हम प्यार से पूछ रहे हैं फिर पैसे भी ऑफर कर रहे हैं। कुछ लोग तो सामने से ही पैसे मांगेंगे, बोलेंगे कि शूट करना है, अच्छा ठीक है इतना रुपए। तो वैसे लोग ढूंढो फिर, हम पैसे देने को तैयार है, हमें कंटेंट चाहिए। और यहाँ पर गंगा भी है तो गंगा किनारे भी चलते हैं। कुमारतुली देखने के बाद हम गए गंगा के किनारे सनसेट देखने और एकदम सही टाइम पे पहुंचे। अगर 5 मिनट भी लेट होते तो सनसेट हमारा छूट जाता। सनसेट का मजा लिया, गंगा जी को स्पर्श किया और मेरे साथ 2 कन्याएं और भी आ गई गंगा जी को स्पर्श करने। सर हावड़ा ब्रिज जाने के लिए यहाँ से रिक्शा मिलेगी? आगे जाना पड़ेगा। दादा हावड़ा ब्रिज चलोगे? कितना हावड़ा वहाँ पास मिलेगा? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अरे तो बढ़िया बढ़िया। हम हावड़ा नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे? वहाँ से बस मिलेगा। अच्छा वहाँ तक कितना लोगे फिर आप छूटने का? ठीक है ठीक है ठीक है चलो। ले ले मेरी जान। कितना देना फिर आपको? 45 मिठाई ले लेंगे। वैसे तो हमारे कालीन भैया का मिर्जापुर में कालीन का बिजनेस है, बट कोलकाता में इनकी पकड़ चड्डी बनियान के बिजनेस में ज्यादा है। ये है हावड़ा ब्रिज। चल टैलेंट दिखा अपना। मैं आगे से जा रही हूँ। अरे आगे नहीं है, मिलेगा मिलेगा। तेरा क्या प्रॉब्लम है ना, तेरे को हर एक चीज में डेमो दिखाना पड़ता है। लाओ ग्रीन चटनी लाओ। चल दिखा टैलेंट अपना। चल चल चल, होगा होगा, करने से होगा, योगा करने से होगा। हाँ एक पैर उतर। अरे मैं वहां से आती हूं। अरे वहां जगह नहीं है। अरे मिलेगी। चल ठीक है चल तू आ फिर। नहीं मिलेगा इसको, नहीं मिलेगा। मिल गया? आशा मिल गया। बट तूने एडवेंचर मिस कर दिया। ये एडवेंचर बेसिकली हम यहाँ पर इसीलिए आए क्योंकि ना हावड़ा ब्रिज के ऊपर रंगोली निकाली गई है, पेंट किया गया है। बारिश की वजह से ठीक से दिख नहीं रहा है, तो इस तरह से पूरा ये अच्छे से सजाया गया है। और ये हमने फोटो वीडियो में देखा था, इसीलिए हम यहाँ पर आके देखना चाहते थे अपनी आंखों से कि कैसा दिखता है। अभी तो सही नहीं दिख रहा है। तो
लोग बहुत मानते भी इस ब्रिज को यार। तो हमें ये देखना था, ये तो यार गाड़ियों के चलने के वजह से ये मिट चुका है आधा, तो जो फोटो में हम देख रहे थे वो नहीं है। एक वो लोग ने एंट्री पे और एक एग्जिट पे बनाया था, बट अब दोनों भी दिखा नहीं। बट कोई नहीं, देखने का था हमें, हमने आगे देख लिया, जो सोचते हैं हम वो करते हैं तो कर लिया, बस इसी की खुशी है। पार्क सर्कस, हाँ कितना लोग है? ना ना 300 लोग। अरे तो सब ऐसे थोड़ी 300 का भाड़ा होता है। अरे नहीं नहीं आप बाबू पार्टी कर रहे हैं आप, बोला। अरे आप ज्यादा बोल रहे हो, हमको इन ड्राइव में हमने कुछ 350 बस ना, आप तो ज्यादा क्या है इतना यार, मान ही नहीं रहा। वो 400 बोल रहा है, ये भी 400 बोल रहे थे, मैंने कहा कि चलो ठीक है 50 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं भाव। भाई ये चीज बहुत जरूरी है कलकत्ता में। हाँ हमारे यहाँ कहते मीटर डाउन, यहाँ नहीं। हावड़ा ब्रिज पर कोलकाता की फेमस टैक्सी पर बैठकर ऐसा लग रहा था जैसे क्या आपने बोलती हुई टैक्सी देखी है? ये टैक्सी बोलती है, जरा हमारे एमएस केन्स को बोल के दिखाओ। I am Optimus Prime. आपकी शक्ल ना कालीन भैया से मिलती जुलती है। कालीन भैया मिर्जा, अरे मिर्जापुर के बादशाह, अरे पंकज त्रिपाठी नहीं जानते? अरे इलाहाबाद के आप, एकदम शक्ल मिलती जुलती है आपकी, एकदम हीरो लगते हैं आप। आपको टैक्सी नहीं, आपको तो फिल्मों में होना चाहिए। हीरो होता तो टैक्सी चलाता। वही तो, आपको तो फिल्मों में होना चाहिए। ज्यादातर वक्त जब भी मैं ट्रैवल किया हूँ तो हम या तो अपने कार से ट्रैवल करते हैं या तो बाइक से ट्रैवल करते हैं, और बहुत कम ऐसा होता है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं। जैसे कोलकाता में हमने टैक्सी यूज किया, ताना रिक्शा यूज किया, अपनी जो 11 नंबर की बस थी वो यूज किया। थोड़ा मजा तो है, थ्रिल तो है, बार्गेनिंग करने मजा आता है। तो हमें एक उड़ती उड़ती खबर आई थी कहीं आर्टिकल से कि पार्क सर्कस में ड्रोन उड़ने वाले हैं, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बहुत सारे, जिसमें वो कुछ ड्रोन शो दिखाने वाले, लाइट शो दिखाने वाले भैया। हम लाइट शो देखने के लिए पहुंच गए पार्क सर्कस मैदान में, बट भूख लग रही है। अब सबसे सेफ क्या है? अंडा 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 अंडा। तुम मुझे खिलाओगे कि मैं तुम्हें खिलाऊं? ये दो अंडे, मैं 4 अंडे। अंडा अपने को पसंद है। ये नहीं प्यारे कोई मामूली अंडा, इसमें छुपा है जीवन का फलसफा, इसमें छुपा है जीवन का फलसफा। अंडा अंडा अंडा। ऑलरेडी वहाँ पर ड्रोन सेटअप हो रहा है, बहुत सारा, बहुत बहुत ड्रोन सेटअप हो रहा है। 600 600, माने खबर नहीं जी, 600। ये लाइट शो शुरू होने वाला है 7 बजे, अभी हो रहा है 6:48। क्या हो गया? मेरे साथ ही क्यों होता है ये? क्योंकि तुम ही हो इस दुनिया में अलबेली मस्तानी। ठीक है, सेटअप हो रहा है सब, अब लाइन से लगा रहे हैं। नॉर्मल वाला ड्रोन नहीं है जो हम उड़ाते हैं, ये FPV फास्ट ड्रोन। अरे कुछ तो उड़ा है हवा में, सिग्नल भेज रहे हैं ये, अभी जादू आएगा। जादू को सिग्नल पहुंच गया, जादू आ चुका है। जादू यहाँ, धूप लाओ धूप। लाल चाय पीते पीते हम ड्रोन शो देखेंगे, लाइट शो देखेंगे। वाह क्या स्टेबल है यार ये। जितना लास्ट वाले क्लिप में ड्रोन्स उड़े थे बस उतना ही उड़ा, उसके आगे उड़ा ही नहीं। वेट करते करते हमें नींद आ गई और ये ड्रोन का खेला देखने का इंटरेस्ट खत्म होने लगा। फिर हमें सामने कुछ इंटरेस्टिंग लोग मिल गए तो हम उनसे बातें करने लग गए। उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? वही जाने उड़ाएंगे या नहीं? कब से 1 घंटा हो गया बैठे बैठे, उड़ ही नहीं रहे। यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, चैनल का नाम MSK। आप तीनों एक साथ? हाँ। ये बॉस है, ये बोलते हैं तो ही सब कुछ होता है, ये सबको सैलरी देती है, ये है तो हमें, नहीं तो कोई नहीं है वैसा। हाँ ये लेडी बॉस, ये हमारे ग्रुप की दुर्गा माँ। वो आप लोग भी मुंबई से? मुंबई से आए हैं आप लोग भी, मतलब आप भी हैं मुंबई से, आप भी दुर्गा पूजा देखने आए? जब तक हमारी बातें खत्म हुई तब तक हमने सारे लोग को अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवा दिया। ऐसा आप लोग को भी करना है, करते रहना है, हर बार 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 बिल्लू बार बार। वेट करते करते नींद के साथ साथ हमें भूख भी लग रही थी, तो हमने सोचा कि चलो कुछ खा लेते हैं। तो मैदान में ही एक डोसा वाला था, वहाँ खाने के लिए चले गए। बट ध्यान वही था कि हमारे उड़न खटोले उड़े तो नहीं। A few moments later, अब तो यार डोसा भी खा के हो गया, फिर भी चालू नहीं हो रहा है। पब्लिक खचाखच भरी हुई है, वेट कर रही है कि चालू हो। 6:30 बजे यहाँ पर आए थे, 8:30 बज गया, 2 घंटे हो गए वेट करते करते। पता नहीं चालू करेंगे कि नहीं करेंगे। 2 घंटा हमने लगाया सिर्फ वो लाइट शो देखने के लिए। अब इससे लाइट शो
निकले दो घंटा और ज्यादा वेट नहीं कर सकते भैया, जा रहे वापस। तगड़ा बार्गेनिंग करके हमने रिक्शा पकड़ लिया और जाते जाते फिर से एक बार मन किया कि जोकर वाली फीलिंग ले लूं। सो लाइट शो देखने का बहुत मन था बट टाइम ज़्यादा लग रहा था इसलिए वापस आ गए। वापस आना इसलिए भी ज़रूरी था बिकॉज वीडियो एडिट करना है और बहुत सारी चीज़ें, और आजकल जब हम वीडियो एडिट करते हैं उसमें थोड़ा एफर्ट लगता है वॉइस ओवर देने में, ज़्यादा शॉट्स लेने में, स्टाइल थोड़ा चेंज किया है इसके वजह से वक्त थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, इसलिए वापस आना पड़ा। एंड अभी हम जा रहे खाना खाने के लिए हमारे धीरज भाई के पास, उनका एक नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है बिहारी मटन वाला। अरे बिहारी बाबू, हम आ गए बिहारी मटन खाने, बिहारी मटन वाला के पास। ये धीरज वाओ, मटन कस्सा बिरयानी, दम बिरयानी, ये वही स्वाद है जो हमने कल खाया था। लोग BMW की बाइक चलाते हैं लेकिन हम BMW के रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। तुम ही BMW की बाइक चलाते हो और तुम ही BMW में खाना खाते हो। बिहारी मटन वाला तो क्या हुआ, BMW के ओनर ये हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा भाई खाना खा के। एनी टाइम सलीम भाई, आप लोग आओ बस। बिरयानी बनाया भाई ने, बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से हमें बिरयानी अच्छा लगा, आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा तो फिर लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाबा टेक खुदा हाफिज़, लिव लाइव लिव ड्रीम। यहाँ पर वो कहाँ मिलता है, आई मीन मूर्ति कहाँ बनती है? मूर्ति कुमारटुली में, यही कुमारटुली कहाँ है, इधर दिखा नहीं हमको कहीं पे। मैं बोल ही रहा था उधर से, ये बोलते उधर से। अरे तो मेरे को रिवर देखना था ना सनसेट के पहले, पहले मूर्ति देखना था ना। जो ऐसे ठूस ठूस कर खाता है उसको बोलते क्या है? हावड़ा। हाँ, फाइनली हम हावड़ा ब्रिज पे आ गए।